हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JBD कोचिंग क्लासेस। आज दोस्तों हम बात करेंगे मोशन की। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर रिंग कीजिएगा सो दैट हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो लेट्स गो फॉर द टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में दोस्तों। मोशन में सबसे पहली चीज़ आती है स्पीड, एंड स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होती है दोस्तों, कितने टाइम में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं या उस पर मूवमेंट हो रही है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस इज स्पीड, डी इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम। एस इक्वल टू डी अपॉन टी। ओके, यहीं से हमारी इक्वेशन डिस्टेंस की भी निकल जाएगी। अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो एस इंटू टी हो जाएगा, अगर हमें टाइम चाहिए तो डी अपॉन एस हो जाएगा। ओके, डिस्टेंस यहाँ पे जो हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो डिस्टेंस हमारा मीटर्स में होगा, टाइम हमारा सेकंड्स में होगा। तो इसके पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, स्पीड हमारी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, If a school bus moves 1600 meters at an average speed of 12.5 meter per second, how long did the journey take? कहता है कि एक स्कूल बस है जो 1600 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, कितनी स्पीड में, 12.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दे रखी है हमें, डिस्टेंस दे रखा है, अब पूछा क्या है, How long did the journey take? कितना टाइम लगेगा उस जर्नी के लिए। तो यहाँ से हम टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, T इक्वल टू डी अपॉन एस, 1600 अपॉन 12.5, आंसर इज 128 सेकेंड्स। ओके, सेकेंड्स, सेकेंड्स मीटर, हमारे डायमेंशंस मीटर्स और सेकेंड्स में रहेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट अराउंड एन एटम moves at a speed of 2500 kilometers. कहता कि एक इलेक्ट्रॉन है किसी एटम की ऑर्बिट में 2500 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है। स्पीड दे रखी है हमें, हाउ फार वुड इट ट्रेवल इफ इट मूव एट दिस स्पीड फॉर वन मिनट। कहता है कि अगर वो एक मिनट तक इसी स्पीड में घूमता रहेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है टाइम है, आंसर हमारा आ जाएगा 1.5 इनटू 10 रेस टू पावर रेट। इसको सिंपलीफाई कर दिया गया, बाकी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास टर्म आ जाएगी। ओके, जैसे नीचे ब्लू कॉलम में दे रखा है। ओके, अब आप बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ share it, subscribe to our channel and like to this video. Bye bye, take care.